अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपना रख रहे होंगे बहुत सारा ख्याल। मैं आज फिर से एक बार लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी। तो आज मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, कड़ी चावल हम बना रहे हैं, कड़ी मैंने बनाई हुई है और चावल साथ बॉईल करके साथ सैलड बना के आज हम खाएंगे। तो यहाँ पर पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है, ये थोड़ा सा मैंने लिया आधा चम्मच नमक का और पानी के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके साथ ही चावल मैंने भिगो के रखा थे आधा किलो तकरीबन, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। एक बार अच्छी तरह से हम इसे हिला लेंगे और फिर इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको रखना है और दो चार बॉयल आएंगे तो चावल हमारे बॉयल हो जाएंगे, फिर हम इसको छान लेंगे। जब तक चावल को बॉयल आ रहा है तब तक हम बना लेते हैं सैलेड। यहाँ पर मैंने ले लिया एक खीरा और इसको बारीक बारीक मैं काट लूँगी। खीरा हमने काट लिया है और अब यहाँ पर ले रहे हैं एक टमाटर, उसको भी हम बारीक काटेंगे सलाद के अंदर। फटाफट से ये सैलेड जो है ये तैयार हो जाएगा कढ़ी चावल के साथ खाने वाला। यहाँ पर लेंगे हम हरी मिर्चें, यहाँ पर मैंने दो तीन हरी मिर्चें ली हैं क्योंकि कढ़ी चावल के ऊपर हरी मिर्चें और सैलेड करारा करारा सा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना, पुदीने से बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, पुदीने का जूस भी बहुत मज़ेदार बनता है। मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली नई रेसिपी में ज़रूर आपको मिंट जूस बनाने का तरीका बताऊंगी। प्याज मैंने बारीक काटे हुए ले लिए हैं, ये एक मैंने बड़ा प्याज लिया है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मुकम्मल सैलेड होने वाला है हमारा रेडी। यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक लिया है, इसके साथ ही ब्लैक पेपर, काली मिर्च चाहिएगी हल्की सी, लेमन जूस, ये मैंने सेव करके रखा हुआ है सारा फ्रीज़र में, तो इतना सा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये सैलड हो चुका है हमारा रेडी। अब चलते हैं राइस की तरफ, राइस भी हमारे बॉईल हो चुके होंगे। ठीक है गाइस, अब देख सकते हैं कि चावल जो है हमारे बॉईल हो ही चुके हैं, अब हमने इनको जो है छानने में निकाल लेना है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कढ़ी भी हमारी गर्म हो चुकी है जो हमने पका के रखी हुई थी जी। ये हमारी कढ़ी है, ये भी हो चुकी है गर्म, तो फ्लेम को कर देते हैं अब हम बंद और चावलों को छानने में निकाल लेते हैं। जी गाइस, चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, ये हम निकाल रहे हैं इन्हें छानने में। और अब हम इन्हें दोबारा देचके में डालते हैं, 5 मिनट के लिए दम देते हैं देसी और घी लगा के। जी गाइस, ये राइस हमने निकाल लिए हैं देचके के अंदर। यहाँ पर हमने ले लिया है देसी ऑयल जो कि हमने बोतल में के अंदर रखा हुआ है सेव करके, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। हल्का सा हिलाने के बाद इसे हम अब 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये लें जी। जी गाइस, कढ़ी चावल हमारे हो चुके हैं रेडी और साथ में सैलेड भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआ में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।